हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित तिवारी और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। वो है ऐप पोर्टल एंड इनिशिएटिव रिलेटेड टू कोविड-19। आजकल हमें पता है कि ये कोविड-19 का टाइम चल रहा है, ये पेंडेमिक पूरी तरह फैला हुआ है और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे और ख़ासकर इसके लिए कई ऐप्स लॉन्च हुई, कई पोर्टल्स लॉन्च हुए और कई इनिशिएटिव्स लिए गए गवर्नमेंट की तरफ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम जानेंगे कि ये करुणा ऐप, को केयर, करुणा कवच, क्वारंटाइन, आरोग्य सेतु, ये सारे ऐप्स जो है वो कहां कहां किसने लॉन्च किए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है टीम 11। टीम 11 उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ। टीम 11 इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लॉन्च किया। सेकंड है मो जीवन प्रोग्राम। मो जीवन प्रोग्राम कहां पर? उड़ीसा में। आपको यह पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि ये कोई ऐप किसने लॉन्च किया है और उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन, जैसे कोई रिलेशन, कोई इंफॉर्मेशन उससे पूछा जा सकता है। और दूसरा, अगर कोई इनिशिएटिव है तो किसने लॉन्च किया और कहां लॉन्च किया। तो उसी तरह यह मो जीवन प्रोग्राम उड़ीसा ने किया। नमस्ते ओवर हैंडशेक कैंपेन, एक्चुअली हम लोग पता है कि ये हैंडशेक है, माफ करिएगा, थोड़ा सा इसको सही करिएगा, ये हैंडशेक है। तो पहले हम लोग हैंडशेक करते थे बट अब सोशल डिस्टेंसिंग का हमें पालन करना है तो एक कैंपेन चलाया गया है, नमस्ते ओवर हैंडशेक कैंपेन। ये कहां पर चलाया गया? ये कर्नाटक में चलाया गया। ओके, कर्नाटक के सीएम कौन है? कर्नाटक के सीएम है बी एस येदुरप्पा। चौथा है कोरोना वॉच ऐप। ये कहां पर हुआ? ये कर्नाटक में हुआ। इस ऐप को क्यों लॉन्च किया गया? इस ऐप को इसलिए लॉन्च किया गया कि ताकि हम उन पेशेंट की हिस्ट्री को ट्रैक कर सके जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, ताकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पॉसिबल हो सके। फिर आपदा मित्र ऐप कहां पर? वो कर्नाटक में हुआ। फिर से मैं बताऊंगा कर्नाटक के सीएम कौन थे, बी एस येदुरप्पा। इन्होंने इसको लॉन्च किया। ये क्या करेगा? इसकी मदद से हम लोग इस ऐप की मदद से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जैसे कोई सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से सारी जिसे कहते हैं, या कोविड-19 के जैसे सिम्टम्स अगर किसी के अंदर आ रहे हो तो उसको हम लोग ट्रैक कर पाएंगे, ताकि हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाए और उसको आइसोलेट कर पाए। अगला ऐप सेल्फ डिक्लेरेशन ऐप। ये कहां पर? नागालैंड। ये नागालैंड में एक तरह की कंपल्सरी ऐप है। ये नागालैंड का कंपल्सरी ऐप है और इसको इंस्टॉल करना जरूरी है। और ये जो है, जो भी पेशेंट क्वारंटाइन होने वाले हैं उससे, उसको क्वारंटाइन जाने से पहले इस ऐप का इंस्टॉल करना जरूरी है। अगला ऐप है वीरास कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप। ये तेलंगाना का है और तेलंगाना में एक VCF टनल बनाया गया, एक्चुअली में इंस्टेंट सैनिटाइजेशन के लिए 20 सेकंड के अंदर सैनिटाइज कर दिया जा सकता है इसकी हेल्प से। ये कहां लगाया गया है? ये एक टनल है जो लगाई गई है DG ऑफ पुलिस ऑफिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफिस में लगाया गया। अच्छा, तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव है। और इसके गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदर राजन। अगला ऐप है करुणा ऐप। बेसिकली सिविल सर्विस एसोसिएशन ने लॉन्च किया है। फिर है क्वारंटाइन ऐप IIT बॉम्बे ने लॉन्च किया। इसका मतलब क्या है? इस ऐप से क्या होगा? इस ऐप से मदद से हम लोग ट्रैक कर पाएंगे कोविड-19 के क्वारंटाइन पेशेंट को। अगर वो अपने क्वारंटाइन जोन को निकलेंगे, उससे बाहर निकलेंगे, तो हमें इस ऐप की मदद से पता चल जाएगा। फिर अगला इनिशिएटिव है 5T इनिशिएटिव। यहां 5T का मतलब क्या है? टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग, ये सारे। फिर SS करुणा ऐप, ये दिल्ली ने लॉन्च किया। इसके SS करुणा ऐप बेसिकली इसकी मदद से क्या है कि डोर टू डोर सर्वे होगा। ऑपरेशन नमस्ते हमारे इंडियन आर्मी के जो चीफ है मनोज मुकुट नरवाने, उन्होंने लॉन्च किया। फिर है लाइफलाइन उड़ान सिविल एविएशन मिनिस्ट्री,
हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया। इसकी मदद से क्या है, सिविल लाइफलाइन उड़ान की वजह से आपसे नाम से पता चल रहा है लाइफलाइन उड़ान, मतलब ये सारे के सारे एसेंशियल मेडिकल कार्गो जो है वो रिमोट लोकेशन तक पहुंचाएगा। फिर भारत पढ़े ऑनलाइन, हमें पता है कि इस टाइम इस पैंडेमिक में एजुकेशन सेक्टर पे बहुत बड़ा झटका लगा है, बच्चों के एजुकेशन पे बहुत बड़ा झटका लगा है, तो एचआरडी मिनिस्टर इसके लिए आगे आया और उन्होंने भारत पढ़ो ऑनलाइन कैंपेन चालू किया, जिसकी हेल्प से ऑनलाइन स्टडीज होगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली ने लॉन्च किया है, स्वयं प्रभा एचआरडी मिनिस्ट्री लॉन्च किया। अच्छा, एचआरडी मिनिस्टर कौन है, रमेश सिंह पोखरियाल निशंक इनका नाम है, और ये बेसिकली कहां के हैं, ये हरिद्वार से इनकी लोकसभा सांसद है। इसके स्वयं प्रभाव में क्या होता है, स्वयं प्रभाव में 32 हाई क्वालिटी एजुकेशन चैनल होंगे जो कि 24/7 बेसिस पर चलेंगे। फिर विद्यादान 2.0 प्रोग्राम चालू किया गया, फिर वही एचआरडी मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया, और इसकी वजह से क्या है, इसकी हेल्प से ई लर्निंग पे काम करेगा, और कोई भी अगर कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन अगर कंट्रीब्यूट करना चाहती है, मतलब इंटरनेट के थ्रू पढ़ाना चाहती है, अपने नॉलेज को बताना चाहती है, तो उसमें इसकी हेल्प से वो कर सकती है। फिर अगला है युक्ति पोर्टल। अच्छा, युक्ति पोर्टल में जो है युक्ति है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसका मतलब होता है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज, ये बेसिकली पोर्टल है, और ये मॉनिटर करेगा और रिकॉर्ड करेगा सारे एफर्ट और इनिशिएटिव जो एमएचआरडी ने लिया है, बेसिकली एक तरीका का डैशबोर्ड है ये। फिर नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप, ये भी एचआरडी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, इसकी हेल्प से क्या होगा, इसकी हेल्प से जो जेई मेन और नीट के एस्पिरेंट हैं वो मॉक टेस्ट दे सकेंगे, जो कि अभी आगे चल करके एनटीए कराती, एनटीए बोले तो नेशनल टेस्ट एजेंसी। अच्छा, इसके फर्स्ट डीजी कौन है, इसके फर्स्ट डीजी है विनीत जोशी जी। ये पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर होगा, ये ऐप जो है वो पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर होगा। फिर है कोविड इंडिया सेवा, ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। किसान रथ ऐप एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया किसानों की हेल्प करने के। आरोग्य सेतु ऐप बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, ये आइडेंटिफाई करेगी पोटेंशियल हॉटस्पॉट को। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कितने लैंग्वेजेस में है, तो आपको बताना होगा ये 12 लैंग्वेजेस में है, और उसको डेवलप किसने किया, एनआईसी ने डेवलप किया है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, किसके तहत, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी किसके अंडर आता है, ये नहीं, इसका यूनियन मिनिस्टर कौन है, इसके यूनियन मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद जी। फिर कोरोना कवच, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। प्रज्ञान ऐप झारखंड ने लॉन्च किया। कोरोना केयर फोन पे ने कोरोना केयर इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की। कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया। आई गॉट बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है ये जितने भी ऐप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप प्लीज इसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको पूरी तरह याद हो जाएगा। आई गॉट बोले तो इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग ये ट्रेन करेगी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स में कौन कौन आते हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गए, मिडवाइफ्स हो गई, और आशा वर्कर्स हो गए, और हेल्थ वर्कर्स हो गए, पुलिसमैन हो गए, ये और एनसीसी कैडेट्स हो गए, ये सारे को इन सबका ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाते हैं गवर्नमेंट। वीगेगो ऐप झारखंड ने, रक्षा सेल्फ ऐप छत्तीसगढ़ पुलिस ने, नादी ऐप पुडुचेरी ने, कोरोना सहायता ऐप बिहार ने, आयु एंड सेहत साथी ऐप राजस्थान ने, राज कॉप पुलिस नाम से पता चल रहा है राजस्थान ने, कोविन 20 ऐप बेसिकली नीति आयोग ने लॉन्च किया है,
नीति आयोग ने लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया? ताकि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोक सके। गरुड़ ऐप बिहार ने लॉन्च किया, गरुड़ ऐप बिहार ने लॉन्च किया। और गरुड़ ऐप को लॉन्च किसने किया? बिहार के में बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने। उनका यह कहना था कि जितने भी माइग्रेंट्स जो हैं वो आए हैं वापस, उनकी फैमिली को ये पूरी तरह से ट्रैक करेंगे, उन सारे ट्रेवलर्स को ट्रैक करेंगे, ताकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना हो सके। गवर्नमेंट ऑफ केरला डायरेक्ट ऐप केरला, ब्रेक द चेन मास कैंपेन केरला, और ब्रेक द चेन कैंपेन हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड यूनिसेफ। एम कोविड 19 ऐप मिजोरम, सीघा पोर्टल छत्तीसगढ़ ने, अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्र पोर्टल। अच्छा, इसमें अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्र पोर्टल दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसमें अन्नपूर्णा का मतलब क्या होता है? अन्नपूर्णा का मतलब यह है, यह हमको बताएगा कि जितने भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, अन्नपूर्णा के तहत जितने भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, वो हमें सारे फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के बारे में बताएगा, जहां पर खाना बनके तैयार है, बस आपको जाकर खा लेना है। और दूसरा है सप्लाई मित्र पोर्टल, ये होम डिलीवरी करेगा, जो राशन है कारा, मतलब होम डिलीवरी करेगा किराना राशन शॉप्स के, ठीक है, वहां के जो आइटम्स हैं बेसिकली, अब जो जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, और जो मतलब बेसिक जरूरतें हैं हमारी खाने में, वो सारे का होम डिलीवरी इस सप्लाई मित्र पोर्टल के थ्रू होगी। फिर कोविड कंट्रोल मोहाली पंजाब में लॉन्च हुआ, कोवा पंजाब में लिखवा। टॉप टेन मध्य प्रदेश, महाकवच है महाराष्ट्र, महा से महाराष्ट्र याद रख लीजिएगा। संधन ऐप वेस्ट बंगाल, कोविड 19 क्वारंटाइन मॉनिटरिंग ऐप ये तमिलनाडु ने किया, कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश ने, संयम ऐप पुणे का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया, सुरक्षित दादावादी एंड नानावादी कैंपेन ये नीति आयोग ने किया। शुरुआत में नीति आयोग ने 24 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में किया था और इसमें काफी सफल रहा, तो इन्होंने लॉन्च किया सुरक्षित दादावादी एंड नानावादी कैंपेन। इसके हेल्प से सीनियर सिटीजन्स को एक्स्ट्रा केयर प्रोवाइड कराएंगे ये लोग। एक है निगाह प्रोग्राम, निगाह प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया। ये क्या करेगा? ये एजुकेट करेगा फैमिली मेंबर्स को, जिसके फैमिली मेंबर्स में कोई बंदा जो है वो माइग्रेंट रिटर्निंग है, तो उनको उनके फैमिली मेंबर्स को एजुकेट करेगा कैसे आपको डील करना है सिचुएशन को। अच्छा, एक निगाह है और एक निगाह है। निगाह ऐप जो है बेसिकली दोनों सेंडर है, थोड़े सेंडर में निगाह जो है वो रोकेगा कॉल इनइक्वालिटीज इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में जो कॉल इनइक्वालिटीज होती हैं उसको रोकने के लिए निगाह ऐप इंस्टॉल किया गया है, उसको लॉन्च किया गया है, इंस्टॉल नहीं लॉन्च बोला जाएगा उसको। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश ने, कोविड कथा हेल्थ मिनिस्ट्री ने, सी एच डी कोविड ऐप चंडीगढ़, नाम से पता चल रहा है चंडीगढ़, किसान सभा सी एस आई आर सी डबल आर आई, एग्जिट ऐप वेस्ट बंगाल, आयुष संजीवनी ऐप हेल्थ मिनिस्ट्री जो कि किन के अंडर आती है, हर्षवर्धन, सुकून ऐप जम्मू एंड कश्मीर ने, तत्पर प्रोग्राम रांची, दिल्ली कोरोना ऐप दिल्ली, चरण पादुका इनिशिएटिव मध्य प्रदेश, समग्र शिक्षा प्रोग्राम जम्मू एंड कश्मीर, प्रवासी राहत मित्र ऐप उत्तर प्रदेश, और सबसे लास्ट में कोविड बीप ऐप ये जितेंद्र सिंह ने, इसको डेवलप किसने किया है? ईएसआई मेडिकल कॉलेज ने, आईआईटी हैदराबाद ने और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने। इसमें कोविड बीप का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजेशन एंड वर्चुअल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायो एआईसीएल ECIL, ESIC पॉड, जो कि इंडिया का पहला इंडिजीनियस कॉस्ट इफेक्टिव वायरलेस साइकोलॉजिकल पैरामीटर है।
और ये मॉनिटर करेगा सिस्टम, ये मॉनिटर करेगा कोविड-19 पेशेंट को। इसमें क्या है, इसमें नॉन इनवेसिव बीपी की मॉनिटरिंग की जाएगी, ईसीजी की मॉनिटरिंग की जाएगी और रेस्पिरेटरी रेट की मॉनिटरिंग की जाएगी कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे। किसकी किसकी की जाएगी, कोविड-19 पेशेंट की जाएगी। इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। आपको इस लेक्चर को बहुत अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसको लाइक करेगा, शेयर करेगा अपने दोस्तों के साथ में और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देगा ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस मैं आपके साथ ला सकूं। और प्लीज बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। थैंक यू।